बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है? होपफुली सब अच्छे होंगे एंड बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड गाइस, वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा एग्जाम चल रहा था बीच में। एंड एग्जाम के बाद काफ़ी सारे जो कार्यक्रम होते हैं कॉलेज में, फेयरवेल वगैरह, वो सब हो रहा था। एंड गाइस, फाइनली मैं ग्रेजुएट हो गया। बाकी इस बात से मैं खुश हूँ कि दुखी पता नहीं। बाकी चलते हैं और आज का कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो पहले आ जाओ अपने कैकपैड के एप्लीकेशन में, उसके बाद क्लिक करना प्लस में और अपने गैलरी से एक फोटो क्रिएट करना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का फोटो, एस्थेटिक वाला। सिंपली इसको कुछ इस तरह से ऐड करना एंड आपका पे क्लिक करना नीचे का है, जहाँ पर रेशियो में टाइप करना। एंड उसके बाद आपका पे क्लिक करना है 4:3 ये वाला, उसके बाद डन कर देना। एंड डन करने के बाद आपका पे क्लिक करना फोटो में गाइस एंड दोनों फिंगर से जूम करना एंड कुछ इस तरह से आपका पे फिट करना पूरा बैकग्राउंड में, जहाँ तक आपका रेशियो है, जिस रेशियो पर लिए हुए उस रेशियो में पूरा फिट कर देना। तो हमारा पे कुछ इस तरह से पूरा जो फोटो है फिट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो लेंथ है खींच के पूरा बढ़ा देना, हमें टैप करना एंड इसका जो लेंथ है बढ़ा देना जितना इसका साउंड रहेगा, मतलब कि हम जो भी यहाँ पे ऑडियो ऐड करने वाले हैं उसका ऑडियो का लेंथ जितना रहेगा उतना हमें रखना है। तो पहले हम चलते गाइस एंड डायलॉग वाला साउंड को ऐड कर लेंगे। तो हमें टैप करना ऐड ऑडियो में, उसके बाद क्लिक करना स्ट्रक्चर में गाइस और अपने गैलरी में जाके इस वाले रील्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना, जो कि इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग भी इस वाले रील्स का ऑडियो यूज कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें कि इस तरह का ऑडियो हमें कहाँ मिलेगा, इस तरह का रोमांटिक सॉन्ग वाले जो ऑडियो होते हैं वो सब हमें कहाँ मिलेंगे, तो गाइस इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स वायरल होता है ना, जिसका रील्स भी वायरल हुआ है और जो भी इस तरह का पोस्ट करता है, उसका अकाउंट का मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड उसका जो आईडी है आपको मैं यहाँ पे मेंशन दिख रहा होगा। तो वहाँ पे चल जाना, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। एंड और एक चीज़ गाइस, किस तरह का रोमांटिक फोटो के लिए और किसी भी तरह का फोटोज़ के लिए आप लोग पिंटरेस्ट साइट का यूज करना, तो आप लोग वहाँ पे मिल जाते हैं सब कुछ ए टू जेड, आपको रोमांटिक फोटोज़ मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी फोटो उठा सकते हो। उसके बाद आपका पे आ जाना स्टार्टिंग में गाइस, और अभी आपका पे टाइप करना लिरिक्स जो भी बोलता है डायलॉग स्टार्टिंग में उसको। तो पहले हम सुन लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, साउंड मैंने यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, आप सुनते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो पहले हमें यहाँ पे और बीट मार्क्स करना होगा, तो कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो भी डायलॉग है बोलता है। तो पहले हमें टैप करना ऑडियो में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना बीट्स में, उसके बाद आपका पे बीट मार्क्स करना। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बोलता है यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंड है, और जहाँ पे भी वो बोलता है बच्चा, मतलब कि जो भी हमारा डायलॉग बोलता है वहाँ पे आपको बीट मार्क्स करना, ताकि हम सही जगह पे लिरिक्स को ऐड कर सकें। ओके, ओके डन हो गया। तो आप चलते गाइस और यहाँ पे हम लिरिक्स ऐड करते हैं। तो सिंपली आ जाना आपका स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना टेक्स्ट में, उसके बाद क्लिक करना ऐड टेक्स्ट में, और पहले आपका पे लिखना है ही, क्योंकि स्टार्टिंग में ही था, तो आपका पे लिखना है एच ई। बाकी यहाँ पे क्लिक करना फॉन्ट में, और फॉन्ट आपका पे ऐड करना है एंटोन। ओके, यहाँ पे एंटोन ऐड करना, बाकी सिंपली इसको आप डन कर देना। ओके, आप लोग यहाँ पे एक हल्का सा एरो दे देना ताकि अच्छा लगे एंड डन। बाकी इसका जो कलर वगैरह आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो कलर वगैरह, तो सिंपली इसका कलर मैं यहाँ पे रेड रख रहा हूँ। बाकी इसमें हम चाहे तो ग्लो इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना स्टाइल में ही आ जाना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना ग्लो में गाइस, यहाँ पे देख सकते हो टैप करना ग्लो में, उसके बाद आप टैप करना ए में फर्स्ट वाला ग्लो में, उसके बाद आपका पे सेलेक्ट करना है रेड वाला कलर, और आपको नीचे जाना गाइस, नीचे आपको ऊपर में स्वाइप करना, और आपका पे दो ऑप्शन मिलेगा, पहला है इंटेंसिटी का, दूसरा है रेंज का। तो इंटेंसिटी आप लोग यहाँ पे देख लो, ज़्यादा नहीं रखना, मतलब कि इतना रखना ताकि अच्छा लगे, उतना नहीं कि पूरा आप लाल कर दिए तो फिर जो भी टेक्स्ट आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो अप्रॉक्स इतना रखना। बाकी सिंपली आपका पे क्लिक करना शैडो में गाइस, और शैडो में आपका पे ब्लैक शैडो ऐड करना, यहाँ पे टैप करना शैडो में, और इसका जो रेंज वगैरह आप लोग यहाँ पे देख लो। ओपेसिटी आपको रखना है 80 एंड ब्लर आप लोग रख सकते हो यहाँ पे 60 एंड डिस्टेंस आप लोग कम रखना, अप्रॉक्स 10 रखना। बाकी एंगल वगैरह आप लोग चाहते हो बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, मतलब कि ये आपके टेक्स्ट के दाएं बाएं होता है, तो सिंपली आप लोग इतना पे देख लो। उसके बाद सिंपली इसको डन करना, और डन करने के बाद इसको आप चाहो तो इस जगह पे रख सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसका लेंथ आपको क्लिक करके जहाँ तक आपका डायलॉग रहेगा वहाँ तक आपको रख देना अप्रॉक्स इतना एंड डन। ओके, उसके बाद आप चलते गाइस जहाँ पे जो भी बोलता है डायलॉग उसको लिखना है यहाँ पे। तो सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले बीट मार्क्स में, उसके बाद आप टैप करना फिर से ए ए में, मतलब कि टेक्स्ट में, ए टेक्स्ट में,
उसके बाद आपका भाई टाइप करना, तो आपका भाई जो भी इफेक्ट पहले से लगा हुआ ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्क करेगा कि आप लोगों ने जो भी फॉन्ट वगैरह, आप जो भी टेक्स्ट वगैरह, फिर जो भी आप लोगों ने कलर वगैरह चूज की हो, आपका न्यू जो भी आप फॉन्ट ऐड करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो सिंपली आपका भाई डायलॉग टाइप करना, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख लेते हैं बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है ओके। उसके बाद आप टाइप करना स्टाइल में गाइज, और इसका जो कलर है आपको यहाँ पे सिर्फ वाइट करना, तो वाइट करके सिंपली इसको आगे कर देना, यहाँ पे टाइप करना इस टेक्स्ट में और दबा के आपको इस टेक्स्ट के जस्ट आगे आपको रख देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना, तो सिंपली आ जाना एनिमेशन में गाइज, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना इन में, और इन में आपको यहाँ पे ऐड करना टाइप टू ओके। यहाँ पे टाइप करना टाइप टू में, उसके बाद इसका लेंथ आपको पहले बढ़ा देना, क्योंकि हम देखते हैं पहले किसका लेंथ कहाँ तक रखना है, क्योंकि अगर टेक्स्ट का लेंथ छोटा है तो उसके हिसाब से हम इसका जो लेंथ रखेंगे। तो इतना करके फाइनली इसको हम डन करते हैं। बाकी आपको आना पे आउट में, और आउट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना फेड आउट, तो फेड आउट हमारा यहाँ पे नीचे है तो सिंपली इसमें टैप करना, उसके बाद फेड आउट का आपको अप्रॉक्स कम रखना इतना एंड डन ओके। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे देखना किसका जो लेंथ कितना है टेक्स्ट का, और सही तरह से यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लोग कुछ इस तरह से देखना। उसके बाद यहाँ पे टैप करना, और इस वाले टेक्स्ट को, मतलब जो भी आपका डायलॉग है उसको एक लेंथ तक तो हो गया पूरा, उसके बाद उसको कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद आपको आगे चिपकाना, उसके बाद आपको जस्ट चिपकाने के बाद और इसका जो भी टेक्स्ट है उसका आपको यहाँ पे चेंज करना, मतलब कि इसके बाद जो भी बोलता है ना यहाँ पे टैप करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना स्टाइल में, और उसके बाद हमारा जो अगला डायलॉग है ना उसको यहाँ पे टाइप करना इसको हटा करके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा डायलॉग को फिलअप कर लेना, मतलब जो भी यहाँ पे बोलता है, दो तीन यहाँ पे वर्ड तो बोलता ही है, तो जो भी आपको यहाँ पे बोलता है सिंपली इसको फिलअप करके एंड डन करना ओके। तो इस तरह से डायलॉग टेक्स्ट ऐड करने के बाद जब भी आपको चलना है और अभी आपको और इफेक्ट ऐड करना है तो सिंपली चलते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है इफेक्ट्स में, उसके बाद क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट्स में गाइज, और आ जाना आपको डिस्टॉर्शन में, आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है एंड आ जाना डिस्टॉर्शन में यहाँ पे, और आपका पास सेलेक्ट करना रिपल डिस्टॉर्शन, ये वाला सेलेक्ट करना इसमें एंड डन कर देना ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लिक करना है एडजस्टमेंट गाइज, और एडजस्टमेंट टैप करने के बाद इसका सरपेंट पर बढ़ा देना अप्रॉक्स इतना, जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा लगेगा, बट इतना मिनिमम ठीक है। उसका ब्लर आपको कम करना अप्रॉक्स इतना, बाकी इसका साइज भी कम कर देना अप्रॉक्स 10-10 एंड इसका स्पीड आपको कम करना, स्पीड अप्रॉक्स 10 रखना। उसके बाद आ जाना इंटेंसिटी में गाइज, और इंटेंसिटी अप्रॉक्स आपको कम करना, मतलब कि 15 के आसपास, बाकी ट्विंस को पूरा कर देना, मतलब अप्रॉक्स 50 एंड डन ओके। उसके बाद इसको पूरा घिंच के और इन तक कर देना जहाँ तक आपका फोटो रहेगा ओके। और अभी आप लोग यहाँ पे देखो, तो इतना करने के बाद गाइस सिंपली इसको आप एक्सपोर्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना ऊपर में, और पहले आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना और अपने गैलरी में पहले सेव कर लेना। उसके बाद बेगा के फिर से क्लिक करना प्लस में गाइस, और अपने गैलरी से रोमांटिक जो पिक होते हैं ना उसको आपको यहाँ पे ऐड करना, जैसे कि इस तरह का फोटोज 1, 2, 3, 4, मतलब आपको कम से कम 5-6 फोटोज को ऐड कर लेना सेलेक्ट करके ओके, एंड यहाँ पे डन कर देना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना नीचे और रेशियो में, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना 4:3 रेशियो इसमें एंड डन। उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक फोटो को उस साइज में फिट करना है कुछ इस तरह से ओके। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग को फिर से ऐड करना, तो सिंपली चल जाना स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना ऐड ऑडियो में गाइस, और यहाँ पे क्लिक करना एक्सट्रैक्टेड में, और जो सॉन्ग का पहले से ऐड कर चुके थे ना पहले वाले क्लिप में, जो कि आप पहले एडिट कर चुके हो उस वाले वीडियो में, जो भी आप सॉन्ग यूज किए थे सेम उसी सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करना, उसे रील से निकालना ऑडियो को तो निकल जाएगा। बाकी कुछ इस तरह से निकालने के बाद आपको यहाँ पे देखना कि वो जो जहाँ पे भी हमारा सेकंड पार्ट शट होता है ना, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने पहले से बना लिया, अब जो सेकंड पार्ट जो निचला पार्ट में जो लिरिक्स बजता है, जो भी सॉन्ग बजता है, वहाँ से आपको यहाँ पे सॉन्ग को कट करना है एंड वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कुछ इस तरह का एडिट करना ओके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, पहले स्टार्टिंग हमारा यहाँ तक था, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि डायलॉग के बाद आपको सॉन्ग को रखना एंड उससे पहले वाले सॉन्ग को, मतलब और डायलॉग को कट कर देना, देख लो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आएंगे उसके बाद टैप करना और इस वाले पार्ट को स्पीड करना, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना जो कि डायलॉग वाला पार्ट है उसको हम कट करके हटा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे टैप करना इस वाले ऑडियो में और उसको क्लिक करके आगे की तरफ घसका देना, हो गया ओके। अब चलते गाइस, यहाँ पे हम हर एक जो फोटो क्लिप है ना, जो भी पिक यहाँ पे ऐड किया रोमांटिक पिक,
सबका लेंथ को डिसाइड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लेंथ आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हो, मतलब यहाँ पे मैंने 3 सेकंड रखा, आप चाहो तो पे 2 सेकंड भी कर सकते हो। बाकी आप अपने सॉन्ग के लिरिक्स के हिसाब से देखना कि कहाँ पे कितना बीट के हिसाब से मैच करेगा। बाकी इतना करके सिंपली हर एक फोटो को उतना ही लेंथ रखना, उसके बाद आपका इफेक्ट ऐड करना हर एक फोटो में। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना फोटो में, गाइस इस पर क्लिप में, उसके बाद क्लिक करना एनिमेशन में, और एनिमेशन में आने के बाद आपका क्लिक करना इन में, और इन एनिमेशन में आपका जो मन सो एनिमेशन ऐड कर सकते हो। बट इतना याद रखना कि हमेशा एक जो भी आप एनिमेशन ऐड करोगे उसी एनिमेशन को आपको हर एक फोटो में ऐड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक नॉर्मल सा जूम इन वाला, जूम फर्स्ट वाला इसको। बाकी इसका लेंथ हम 1.3 सेकंड रख लेते हैं। अगर मेरा फोटो 2 सेकंड का है तो इसको हम 1.3 सेकंड रख सकते हैं, एंड इससे कम भी कर सकते हो 1.2 एंड डन। बाकी आ जाना आपको आउट में, गाइस यहाँ पे इन एनिमेशन ऐड हो गया। अब आपका ऐड करना आउट एनिमेशन, यहाँ पे क्लिक करना आउट में ऊपर में, उसके बाद आपका ऐड करना फेड आउट, सिंपली स्क्वायर करना फेड आउट को। बाकी इसको इसका लेंथ आपको हल्का सा बढ़ा देना, आउट को 0.5 सेकंड कर देना, एंड जो भी आपका एंड रहेगा जितना रहेगा फुल कर देना एंड डन कुछ इस तरह से। और अभी आपका पे देखना कि इसी तरह से हुआ कि नहीं हुआ। एंड गाइस यहाँ पे जो इन इफेक्ट है एक्सेप्शनल है, मतलब कि आप चाहो तो जैसे चाहो वैसा इफेक्ट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे चाहो तो फ्लैश सीन या फिर कोई भी ऐसा इफेक्ट डाल सकता था, बट ऐसा अच्छा लग रहा है, मतलब कि हर एक फोटो इस तरह से जूम इन होगा, जूम आउट होगा इस तरह से, तो अच्छा लगता है। तो सेम गाइस इस तरह से इफेक्ट आपको हर एक फोटो में अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे जितना भी फोटोज वगैरह है ना सारे फोटो आपको यहाँ पे सेम इफेक्ट ऐड करना है जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड किया इसमें। एंड और एक चीज़ गाइस कि आपको यहाँ पे क्लिक करना इस वाला ट्रांजिशन में, और आपका पे ब्लैक फेड ये जो आपको दिख रहा होगा सिंपली इसको आप ऐड कर देना 0.1 सेकंड इसका लेंथ, एंड यहाँ पे क्लिक करना अप्लाई ऑल में एंड डन। बाकी ये जो इफेक्ट आपका हर एक जो फोटो है सबके बीच में लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि आप लोग एक बार देख लो। ओके तो अब चलते गाइस जैन आपका पे और एक इफेक्ट ऐड करना, वही वाला जो कि आप लोगों ने पहले ऐड किया था। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना इफेक्ट्स में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना फिर से वीडियो इफेक्ट्स में गाइस, और आपको आना यहाँ पे फिर से उसी वाले ऑप्शन में, कहाँ पे डिस्टॉर्शन में। ओके और आपका पे ऐड करना वही वाला रिपल डिस्टॉर्शन, ये वाला इसको ऐड करना एंड डबल टैप करके बाकी इसको एडजस्ट कर सकते हो। सेपरेट को बढ़ा देना एंड ब्लर को कम कर देना, एंड बाकी आपका पे देख लेना स्पीड वगैरह साइज वगैरह कुछ इस तरह से। उसके बाद डन कर देना, एंड डन करने के बाद पूरा इसको खींच के इन तक कर देना जहाँ तक आपका फोटो रहेगा वहाँ तक। ओके और अभी आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। बाकी आज वहाँ पे और चीज़ है कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिरिक्स ऐड कर सकते हो या फिर चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग को ऐड करना होगा लिरिक्स तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे लिरिक्स ऐड करना, तो आप लोग कुछ इस तरह से लिरिक्स ऐड करना। बाकी सिंपली इसको आप चाहो तो और भी कुछ इफेक्ट ऐड कर सकते हो, मतलब कि ग्लोइंग वाला या ग्लोइंग वगैरह या फिर ऐसा कुछ इफेक्ट। बाकी सिंपली इसको हम डन करते हैं, सिंपली इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके उसके बाद देख क्या फिर से क्लिक करना प्लस में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना स्टॉक वीडियोज में, ऊपर में टैप करना और आपका पे एक ऐड करना ब्लैक बैकग्राउंड, सिंपली इसको ऐड करना एंड उसके बाद यहाँ पे टैप करना गाइस यहाँ पे रेशियो में, और आपका पे ऐड करना सॉरी आपका पे रखना 9:16 रेशियो ये वाला एंड डन। बाकी इसको खींच के और इन तक कर देना जहाँ तक आपका लेंथ रहेगा वीडियो क्लिप का, बाकी हम अप्रॉक्स इतना रख लेते हैं। उसके बाद आपका बेकाना गाइस यहाँ पे क्लिक करना ओवरले में, यहाँ पे टैप करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना प्लस में ऐड ओवरले में, और अपने गैलरी से पहले उस वीडियो को सेलेक्ट करना जो कि आप लोगों ने पहले एडिट किया था। ओके तो पहले हम उसको ढूंढते कि कहाँ भाई किधर गया, सिंपली यहाँ पे, तो सिंपली पहले इसको हम ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से, एंड इसको ऐड करने के बाद इसको जूम करना एंड आपको इसको ऊपर में फिट कर देना यहाँ पे इतना। ओके उसके बाद अभी आपको यहाँ पे देखना कि ये जो डायलॉग है ना फर्स्ट क्लिक का वो कहाँ तक है, तो सिंपली पहले हम इसको सुन लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यहाँ तक। ओके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना का, जहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना प्लस में, ओवरले में टैप करने के बाद यहाँ पे टैप करना प्लस में, और अभी जो आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया था जो हमारा सेकंड क्लिप है उसका मैं ऐड करना कुछ इस तरह से। ओके उसके बाद इसमें डबल टैप करके एंड जूम करना एंड इसको आप कुछ इस तरह से नीचे की ओर रख देना, अगर फिट नहीं हो रहा तो इसमें टैप करके एंड जूम करना कुछ इस तरह से, तो आपका पे फिट आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे सेकंड क्लिप का जो ऑडियो है इसको आप 0 कर देना, सिंपली यहाँ पे टैप करना इस वाले वीडियो पे क्लिप में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना वॉल्यूम में एंड इसको 0 कर देना एंड डन। ओके उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है,
बाकी आप लोग चाहते हो यहाँ पे ऊपर में और भी कुछ इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि आपको पूरा बेक करना एंड हल्का सा आपको ब्लिंग इफेक्ट डालना, मतलब कि हल्का हल्का सा ब्लिंग करता वो इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना इफेक्ट्स में, यहाँ पे क्लिक करना वीडियो इफेक्ट्स में गाइज, और आना आपको यहाँ पे और नाइट क्लब में आना, यहाँ पे ऐड करना ब्लैक फ्लैश 2 इसको ऐड करना एंड बाकी इसको डन कर देना। बाकी इसका स्पीड आपको पूरा कम कर देना, अप्रॉक्स 20 रखना, 20 एंड डन। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना ऑब्जेक्ट में गाइज, यहाँ पे नीचे टैप करना ऑब्जेक्ट में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना ऑल वीडियोज में एंड डन। उसके बाद इसको बढ़ा के पूरा इंटर कर देना इसको, और अभी आप लोग यहाँ पे देखो और भी चकास लग रहा है। मैंने यहाँ पे सेकंड वाले वीडियो क्लिप में लिरिक्स नहीं ऐड किया था, तो नहीं तो फिर और भी अच्छा लगता। तो आप लोग यहाँ पे लिरिक्स ऐड करना, बस टाइम ज़्यादा हो रहा था ना, इस वजह से मैं लिरिक्स ऐड नहीं किया, क्योंकि आप लोग को ऑटोमेटिकली पहले से पता है इसकी लिरिक्स कैसे लिखते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिरिक्स लिखना, बाकी इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको आप कम कर सकते हो अप्रॉक्स इतना, ताकि हल्का हल्का ब्लिंक करे एंड डन। ओके, तो बस ये था वीडियो में गाइज, बाकी इतना करने के बाद आपका फाइनली बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से बनाओ और इंस्टा पे पोस्ट करो। ये तो इसका भी ट्रेंडिंग चल रहा था एंड बनाने के मेन रीज़न ये भी है ना कि इस तरह का वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसका रीज़न ये है ना कि बैटरी लो गया, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसमें सस्पेंस है भाई। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे हमारा दो वीडियो क्लिप चलता है, जिसमें से फर्स्ट में चलता है हमारा डायलॉग एंड सेकंड में चलता है हमारा रोमांटिक फोटेज, रोमांटिक लिरिक्स एंड सॉन्ग। तो जब ये हमारा फर्स्ट क्लिप चलते रहता है ना, तो हर कोई यहाँ पे वेट करता है भाई कि नीचे क्या आएगा एंड नीचे इसके बाद कौन सा फोटेज आएगा, कौन सा वीडियो क्लिप आएगा, कौन सा एनिमेशन आएगा। हर कोई यहाँ पे वेट करता है, जिससे कि अच्छा है वो तब तक अच्छा ऑडियंस एंगेजमेंट बना रहता है, जिससे कि रील्स को वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस तरह के होने पे रील्स ज़्यादा वायरल होता है, ये हम नहीं, ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कहता है। तो बस यही था गाइस, और इस तरह से आप रील्स वीडियो बनाओ और इंस्टा पे पोस्ट करो। बाकी यार लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना, बाकी मिलते हैं।